बीपीएससी पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई की एसआईटी ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार सशस्त्र पुलिस बल के डीएसपी रंजीत कुमार रजक को हिरासत में ले लिया। ईओयू को अगर इस पूछताछ के दौरान ठोस सुराग मिल गए तो डीएसपी की गिरफ्तारी तय है। ईओयू के सूत्रों के अनुसार रंजीत कुमार रजक बीपीएससी पेपर लीक मामले में कई संदिग्ध अभियुक्तों से लगातार संपर्क में रहे हैं। कई से उनके गहरे संबंध की बात भी सामने आई है। रंजीत कुमार रजक पहले भी विवादों में रहे हैं और साल 2022 में एसएससी पेपर लीक मामले में भी रजक का नाम सामने आया था। रंजीत एसएससी पेपर लीक मामले में चार्जशीटेड भी रहे हैं और इसके बाद वे डीएसपी बने। हालांकि आधिकारिक तौर पर ईओयू आज बयान जारी कर सकती है। ईओयू अब तक इस मामले में एक दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किए गए गैंग के तीन शातिरों ने कपिल देव से ही प्रश्न पत्र हासिल किए थे। गौरतलब है कि बीपीएससी पेपर लीक मामले में ईओयू की अभी तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। इसके पहले ईओयू ने 67वीं बीपीएससी के पीटी का पेपर लीक करने के आरोप में गया के रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल शक्ति कुमार को गिरफ्तार किया था। शक्ति ने ही पीटी का पेपर लीक किया था। ईओयू अब प्रश्न पत्र लीक मामले में पूरे नेक्सस को खंगालने में जुटी है।